कहते हैं कि जीवन में घर एक बार बनता है और उस घर को बनाने में पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। आम आदमी का सपना होता है अपना घर बनाने का, और यदि इस सपने पर कोई बुलडोजर चलाए तो जरा सोचिए क्या होता है। जी हाँ, ये तस्वीर है राजधानी पटना के आसियाना दीखा रोड की, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग थाली पीट रहे हैं। थाली इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि आवास बोर्ड की तरफ से प्रशासन ने इनको नोटिस जारी किया है कि जल्द से जल्द इनके मकान अब टूटेंगे, जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। नोटिस पाकर जो स्थानीय लोग हैं वो हैरान हैं क्योंकि पिछले कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले कई सालों से रहने वाले इन तमाम लोगों के बीच एक नोटिस आवास बोर्ड के जरिए जाती है और कहा जाता है कि आप अवैध रूप से कब्जा जमा कर रह रहे थे। इन लोगों ने अपने रजिस्ट्री के कागजात भी दिखाए और जिस तरीके से जमीन खरीदी है वो भी दिखाया। बावजूद इसके कोई मानने को तैयार नहीं है और इसकी अगली बैठक जल्दी होने वाली है। नोटिस पाकर इन तमाम घर वालों ने घर से बाहर निकलकर जमकर थाली पीटी, क्योंकि पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि कोरोना को भगाना है तो थाली पीटना है। यानी विरोध प्रदर्शन के आधार पर ये थाली पीट कर ये जताना चाह रहे हैं तमाम लोग कि सरकार का जो रवैया है, आवास बोर्ड का जो रवैया है, वो बहुत गलत है। कहीं से भी यह न्याय उचित नहीं है। ऐसे में अब मामला आमने सामने है और तमाम जो इस इलाके के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये सरकार के उस बुलडोजर के नीचे अपनी जान दे देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, आइए हम आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। किसान को पैसा मुहैया कराया है और ना किसान को अगर अधिग्रहण किया है तो किसान को जमीन का कोई कागजात मुहैया कराया है। जबरन आवास बोर्ड कहती है कि ये जमीन मेरा है। किसान के पास किसी तरह का ये नहीं है। सर्किल रेट वो लागू किए 27 का और उस किसान को 10 लाख रुपया देने का बात बोले। वो भी उनके डीएम साहब उस समय बोले कि हमारे ट्रेजरी में 10 लाख के एवज भी किसानों को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है जो कि हम किसान को दे पाएंगे। जब तक मकान नहीं बना या अभी जितने भी मकाने हैं उन्होंने नोटिस दिया कि इतने मकान को हम तोड़ेंगे, ये पेपर में हम लोग के तरफ से कोई क्लियर नहीं है, पेपर वाले के तरफ से कोई क्लियर नहीं है। केवल वो पश्चिमी और पूर्वी को बांटे हैं, 625 को छोड़कर के 400 को बांटे हैं। किस हिसाब से वो बांटे हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम 1024.52 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर बोल रहे हैं कि हम फ्री कर दिए, इधर पकड़े हुए हैं। क्या दो नीति एक कागज के लिए, एक जमीन के लिए? वो नोटिस हम लोगों को किसी को नहीं मिला था, रोड पे चिपकाया गया था। नोटिस एक महीना पहले का था और 4 दिन पहले उस नोटिस को, 3 दिन पहले उस नोटिस को चिपकाया गया 90 फीट पे। अब तो अपना अपना पक्ष हम क्यों रखेंगे? हम किसान, हमारा है किसान, हमारा अपना पक्ष रखेगा। जिसको हम लोगों ने सिरनाथ जी को अध्यक्ष बनाया है किसान समिति, भूमि बचाओ संघर्ष समिति का, और वो पूरे कागजात के साथ और जितने भी यहाँ लोग हैं किसान भाई और जो बेचे हैं आम पब्लिक को, वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और हम लोग फिर डेट जो मिला है 7 जून को, हम लोग फिर 7 जून को इसी दमखम के साथ वहाँ जाएंगे। सीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को आवास बोर्ड भ्रमित कर रही है, सरकार को भी एक तरह से वो भ्रमित कर रही है। सरकार को दिखा रही है कि मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, तो कहाँ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, दिखाइए। जबरन अगर आप गोली बंदूक प्रशासन के एवज में लेकर के उसको आते हैं और आम पब्लिक को धमका करके जमीन लेते हैं तो फिर हम लोग जान दे देंगे यहाँ। उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप प्रशासन है, आपके पास बल है। हम आम आदमी के पास तो कोई बल नहीं, हम तो निहत्था हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो हम लोग सो जाएंगे, बुलडोजर चला लीजिएगा और मकान जमीन ले जाइएगा, क्योंकि सभी लोग मिल करके हम मकान बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आम पब्लिक यहाँ मकान बना लेती है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस पे, लेकिन यहाँ सबकी मिलीभगत से ही मकान बनती है। तो सुना आपने, तमाम महिलाएं, घर की महिलाएं
सड़क पर आकर ये कह रही हैं कि उनके सपनों के आसियाना पर यदि बुलडोजर चलेगा तो वो अपनी जान दे देंगे, क्योंकि घर जीवन में एक बार बनता है। अभी के लिए बस इतना ही। द एसडी न्यूज पर तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए।